नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शंकरपुर पंचायत के शिक्षक नियोजन में हुए बड़े फर्जीवाड़े के बारे में। बिहार के सिवान जिला स्थित भगवानपुर हाट प्रखंड में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हरपुर कोठी गांव के रहने वाले जयप्रकाश तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने यह आरोप लगाया है कि प्रखंड के शंकरपुर पंचायत में शिक्षक बहाली में प्रवीण कुमार नाम के एक व्यक्ति ने नियोजन इकाई से मिलीभगत करके 2016 में 2006 के पैनल में आवेदन पंजी मेधा सूची और काउंसलिंग रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट करा लिया, जबकि वो 2006 के पैनल में आवेदक नहीं थे। जयप्रकाश ने यह दावा किया है कि जांच के क्रम में वो इस बात को साबित कर देंगे। उन्होंने सिवान जिला के डीएम और डीपीओ को इस संबंध में एक आवेदन दिया है। अपने आवेदन में जयप्रकाश तिवारी ने लिखा है कि शिक्षक प्रवीण कुमार नवीन प्राथमिक विद्यालय कोइरगावा टोले मिश्रवलिया में पदस्थापित है। ग्राम पंचायत राज शंकरपुर के नियोजन इकाई के अंतर्गत इनकी बहाली हुई है। अपने आवेदन में उन्होंने शिक्षक प्रवीण कुमार पर यह आरोप लगाया है कि साल 2012 के नियोजन में भी वो अभ्यर्थी थे, जिसमें उन्होंने इंटरमीडिएट पे अपना कुल मार्क्स 539 दर्शाया था और खुद को टीईटी पास भी बताया था, जबकि 2016 वाली प्रविष्टि में उन्होंने अपना मार्क्स 597 दर्शाया है। शिक्षक प्रवीण कुमार ने अपना वोकेशनल का मार्क्स जोड़कर इतना दिखाया है। आवेदक के अनुसार उनके पास इस जानकारी से जुड़े सारे कागजात मौजूद है। जयप्रकाश तिवारी ने अपने आवेदन में यह भी लिखा है कि 2006 की वही मेधा सूची 900 नंबर पर बनी है, उसी स्थिति में प्रवीण कुमार का नंबर 539 ही होता है, जो लगभग 59.8% है, जबकि उनकी बहाली 66.8% पर हुई है। उन्होंने शिक्षक पर आरोप लगाया है कि नियोजन इकाई और प्राधिकार को अंधकार में रखकर प्रवीण कुमार ने अपनी बहाली करवाई है। आवेदक जयप्रकाश के अनुसार उनका इंटर में मार्क्स सभी परिस्थितियों में शिक्षक प्रवीण कुमार से ज्यादा है। आवेदक ने शंकरपुर पंचायत के नियोजन इकाई पर भी आरोप लगाया है कि बिना कोई पूर्व सूचना दिए शंकरपुर के नियोजन इकाई ने शिक्षक प्रवीण कुमार को बहाल कर दिया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में शंकरपुर के नियोजन इकाई के पास भी आवेदन दिया था, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। ऐसी स्थिति में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक ही अभ्यर्थी ने एक ही नियोजन इकाई में दो अलग अलग नियोजन बहाली में दो तरह के नंबर क्यों पेश किया, और जब वो वर्ष 2006 के नियोजन प्रक्रिया में अभ्यर्थी था ही नहीं, तो फिर आखिर कैसे 2016 में 2006 के उसी पैनल में बहाल हो गया। जब आवेदक का नंबर शिक्षक प्रवीण कुमार से ज्यादा है, तो क्यों आवेदक का बहाली ना होकर प्रवीण कुमार को बहाल किया गया। ये सारे सवाल इस बात की ओर इशारा करते हैं कि शिक्षक प्रवीण कुमार ने फर्जीवाड़ा करके और नियोजन इकाई को अंधकार में रखकर अपनी बहाली करवाई है, और निश्चित रूप से यह जांच का विषय है। बिहार के शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़े के कई मामले प्रकाश में आए हैं, और यह नियोजन इकाई या फिर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का भी नतीजा हो सकता है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।